watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel, and don't forget to like and share them. मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहित संपूर्ण भूमि जो लगभग 67.703 एकड़ है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके बीच देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विषय पर जानकारी देने के लिए विशेष तौर पर उपस्थित हूं। ये विषय करोड़ों देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। ये विषय श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ ये विषय है। अयोध्या में श्री राम जन्म स्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 नवंबर 2019 को मैं करतारपुर साहब कॉरिडोर के लोकार्पण हेतु पंजाब में था। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व था। बहुत ही पवित्र वातावरण था। उसी दिव्य वातावरण में मुझे देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा राम जन्मभूमि विषय पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बारे में पता चला था। इस फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि श्री राम जन्मभूमि के विवादित स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर राम लला विराजमान का ही स्वामित्व है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में परामर्श करके सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन आवंटित करें। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज इस सदन को, पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत की प्राणवायु में, भारत के आदर्शों में, भारत की मर्यादाओं में भगवान श्री राम की महत्ता और अयोध्या की ऐतिहासिकता से, अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भांति परिचित हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण, वर्तमान और भविष्य में रामलला के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहित संपूर्ण भूमि जो लगभग 67.703 एकड़ है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 नवंबर को राम जन्मभूमि पर फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर पूर्ण विश्वास जताते हुए बहुत ही परिपक्वता का उदाहरण दिया था। मैं आज सदन में देशवासियों के इस परिपक्व व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें। लोकतंत्र और भारत की यात्रा अनंत है, अनेक और ये देश किसी पर्पज के लिए है, उसका कोई लक्ष्य है, वो पूरी मानव जात के लिए। चाहे श्री अरविंदो ने देखा हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी ने देखा हो, लेकिन आज उन शब्दों में, उस विजन में सामर्थ्य था, वो हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं। दुनिया जिस प्रकार से भारत के महात्मय को स्वीकार कर रही है, भारत के सामर्थ्य को स्वीकारने लगी है, और इसको, इस यात्रा को हमें और शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों का जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं,
और कभी कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जो चुनौती आती है तो जरा और आनंद आता है। हर चुनौती का हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में, तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। यह देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। ये सदन हमें वो प्रेरणा देता रहेगा और हम सामूहिक संकल्प से, सामूहिक शक्ति से उत्तम परिणाम भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा आकांक्षा के अनुसार करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपका आभार प्रकट करता हूँ, सभी मान्य सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Watch more programs of Sansad TV. Subscribe to our YouTube channel. And don't forget to like and share them.